संयुक्त अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार 16 अप्रैल को हुई बारिश ने सड़कों, घरों और मॉल में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। यह बारिश देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी है। इसकी वजह से दर्जनों शहरों में बाढ़ भी आ गई है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.2 से 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बता दें, जितनी बारिश अभी तक वहां हुई है उतनी बारिश यहां 2 वर्षों में होती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने खाड़ी देशों में आई बाढ़ की वजह को क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश बता रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब एक टाइम लिमिट से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे तकनीकी तौर पर बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस पर भी निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों में क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। संभव है कि UAE समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो जो बाढ़ की वजह बन गई है।